आइंदा ऐसी बदतमीजी मत कीजिएगा डॉक्टर कबीर। वो इस घर के बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है, समझे आप? और लोगों से अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दिलवाना मेरा फर्ज है। तो डियर प्लीज, इन लोगों के लिए अपने पति से झगड़ा मत करो, क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली वो नहीं, मैं हूं। गायत्री को यहाँ बाहर क्यों लाई हो? उसे अपने कमरे में आराम करने दो, वहीं नाश्ता कर सकती। डैड, मॉम की तबीयत आज थोड़ी बेटर है, तो मैंने सोचा सबके साथ नाश्ता करेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा किया बेटा, आओ गायत्री। साची हो ना, तुम्हारी शादी तो वीर से हुई है ना, इसके बगल में बैठकर क्या कर रहे? भूल गई तुम कि आज महाराज नहीं आया घर पे, और तुम घर की बहू हो ना तो कौन बनाएगा नाश्ता? हाँ, जो लेके सब पहले नाश्ता बनाकर लेकर आओ। गो गायत्री, साची अब हमारी बहू नहीं है, उसने कबीर से शादी कर ली। क्या? So finally, तुमने शादी कर ही ली। ये लड़की तो है ही ऐसी, पहले इसने वीर को फंसाया और अब तुम्हें। तुम्हारी भैंस तो गई पानी में। इसकी भैंस तो रिया, अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाओ और वहीं पर उसका नाश्ता दो। यस डैड। मॉम कम ऑन। साची, सबसे पहले ये खाओ, ये हलवा मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। चलो यहां से, हम हॉल में जाकर नाश्ता कर लेंगे। आओ पुत्र। साची, आज से हम खाने की फर्स्ट बाइट सबसे पहले एक दूसरे को खिलाएंगे। वीर, ये सब तमाशा करने से कुछ नहीं होने वाला। एक्सेप्ट इट, मैं और साची एक कपल है,
इनफैक्ट एक बहुत पावरफुल कपल है, और जितनी जल्दी तुम ये बात मान लोगे हम सब के लिए उतना ही अच्छा होगा। कम ऑन साची, लेट्स गो। आज हमारे हॉस्पिटल में इस देश का सबसे बड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट मैराथन है। आज हम सबको अपनी जोड़ी की ताकत दिखा देंगे। इट्स गुड कि अब तुम मेरे साथ हो, एटलीस्ट अब तुम अपने टैलेंट को यूज कर पाओगे, वरना कुछ यूजलेस लोग तो तुम्हारा करियर ही बर्बाद कर देते हैं। उसके जैसा लूजर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। चले डॉक्टर, कभी हमें देर हो रही है। डॉक्टर कबीर, मैंने आपसे हेलो क्या? मैं अभी आ रही हूं। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? अचानक ये सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकती हैं आप? यहाँ रहने के लिए कोई वजह भी तो नहीं है साची। कैसे नहीं है माँ, कैसे नहीं है? ये हॉस्पिटल आपका और पापा का सपना है माँ, इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आपको यहाँ रहने का पूरा हक है माँ। मेरे हक और मेरे सपनों पर पानी फेर दिया तुमने साची। तुमने जो हरकत की है उसके बाद मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही, तो दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? तुमने तो सारी हदें लांघकर रिश्ता ही तोड़ दिया। तो बता साची, मैं यहां रहकर क्या करूं? मेरी अब बस एक ही औलाद है, मेरा बेटा सनी मिश्रा। मैं उसी के पास जा रही हूं। डॉक्टर कबीर कपूर, ये मेरे सारे शेयर्स, देखना इसका क्या करना है। काम डाउन साची, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। नहीं, आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते डॉक्टर कबीर। अरे अपनों को खोने का दर्द आप जैसा इंसान क्या समझेगा? वैसे अच्छा ही हुआ वो चली गई, हालांकि मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी। इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि सनी के साथ है, और जब तक वो सनी के साथ है वो उसे कुछ नहीं होने देंगे।
सर चलें, हमें इवेंट स्टार्ट करना है। गुड की तुमने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, नाउ बी स्ट्रॉन्ग। आज हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा दिन है साची, हम दोनों को मिलकर ये चैलेंज पूरा करना है। आज का इवेंट मेरा और मेरी वाइफ का सपना है। ऐसा हार्ट ट्रांसप्लांट मैराथन आज तक इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ। मैंने और डॉक्टर साची ने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत तैयारियां की है। हमारे हॉस्पिटल के सभी कार्डियक सर्जन आज दिन भर नॉन स्टॉप कार्डियक सर्जरीज परफॉर्म करेंगे। आज सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल मल्टीपल हार्ट ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड बनाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये इवेंट अब तक का सबसे सक्सेसफुल चैरिटेबल इवेंट होगा। काश तुम भी इस इवेंट का हिस्सा होते वीर। चले साचे, वी हैव टू स्टार्ट। आप सब भी, लेट्स गो। कॉटन के हिसाब से सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने 15 हार्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। हमारी तरफ से हॉस्पिटल की टीम और स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। अचानक सारे डॉक्टर्स को क्या हुआ? मैम, सारे डॉक्टर्स को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, अब ये लोग सर्जरी नहीं कर सकते। अभी तो बहुत सर्जरीज बची हैं। एग्जैक्टली, काम बहुत है और स्टाफ कम है, हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि हाथ्स आ चुके हैं और पेशेंट्स रेडी है। वी कैन नॉट डिले दिस एनी फर्दर, हमें सीनियर डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है साची। डॉक्टर कबीर, हम वीर को बुला लेते हैं, कार्डियोलॉजी उसका डिपार्टमेंट है एंड ही इज गुड। हमारे पास बस वही आखिरी उम्मीद है। बिल्कुल नहीं, ये हमारा इवेंट है, वीर इसका हिस्सा हरगिज नहीं हो सकता एंड दैट इज फाइनल। डॉक्टर, इतना लेट क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा ना, हार्ट ट्रांसप्लांट होगा ना, मैं बहुत उम्मीद लेके आया था आपके पास। अब आप प्लीज फिक्र मत कीजिए,
आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी। इट्स गुड कि अब तुम मेरे साथ हो, एटलीस्ट अब तुम अपने टैलेंट को यूज कर पाओगे, वरना कुछ यूजलेस लोग तो तुम्हारा करियर ही बर्बाद कर देते हैं। उसके जैसा लूजर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम दिल छोटा मत करो पुत्र, और उस कबीर की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अपनी काबिलियत पहचानने के लिए तुम्हें किसी की रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और ये बात तुमने कई बार साबित करके दिखाई है। दुनिया के सामने बार बार क्या साबित करना, आई बात समझ में? साची का फोन? हेलो हेलो वीर, वो मुझे इस हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ स्टाफ बहुत कम है और पेशेंट्स बहुत ज्यादा, तो हमें एक अच्छे कार्डियक सर्जन की जरूरत है। रियली? मैं और अच्छा, मैं तो बहुत बड़ा लूजर हूं, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? और मुझे कॉल करने से पहले तुमने अपने पति से परमिशन ली? वो तो मेरे नाम का लूजर सर्टिफिकेट हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हैं। आई नो तुम्हें डॉक्टर कबीर की बातों का बहुत बुरा लगा है, बट आई नो कि तुम एक अच्छे सर्जन हो और इस वक्त तुम्हारे हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत है वीर। बहुत सारे पेशेंट्स अपनी उम्मीदें लेकर आए हैं यहाँ वीर, हमारे लिए ना सही लेकिन इन पेशेंट्स के लिए आ जाओ प्लीज। मैं क्यों जाऊं? मैं तो बहुत बुरा हूं। आई जस्ट होप वीर आ जाए। बहुत अच्छे हो तो, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे, वो कबीर होगा वहां और तुम्हें बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा वो। डॉक्टर साची, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स तो है ही नहीं। ठीक है आप जाइए, मैं कुछ करती हूं। ओके।